अभाव खटकने लगा। धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको पोता नहीं है, मन में बड़ी चिंता है। देखिए मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, क्या होता है? दादा को बेटा तो प्यारा होता है, लेकिन पोता ज्यादा प्यारा होता है। सूद मूल धन से सूद ज्यादा प्यारा होता है। देशा माता को चिंता हुई कि हमको कोई पोता नहीं है। लोगों ने कहा अरे चलो चले जाओ गुरु महाराज के पास, संत बड़े दयालु होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत कैसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न जाना, निज पर ताप द्रव ही नवनीता, पर दुख द्रव ही संत सुखनीता। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, और कभी को कहने दे ही मक्खन तो अग्नि पर चढ़ाने से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। देशा नाम की माता चली गई बाबा अर्जुन देव जी महाराज के पास। बाबा अर्जुन देव जी महाराज बड़े कर्मयोगी थे, काम बहुत करते थे, बागवानी करते थे और भजन भी बहुत करते थे। 12 बजे रात में बैठते थे और 4 बजे सुबह ध्यान से उठते थे, और उसके बाद फिर जलपान वगैरह करके चले जाते थे बागवानी करने के लिए, 2 घंटा बागवानी करते थे। देशा माता आ गई है, बहुत दुखी है। लोगों ने कहा गुरु महाराज के पास जाओ, संत बड़े दयालु होते हैं। कहा गया है दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसा दरबार है, लेकिन लोग दूसरे दूसरे दरबार में चले जाते हैं, भूतों को पूछते हैं, देवी देवता को पूछते हैं, और संत के दरबार में नहीं आते। देवी देवता काले हैं, लेकिन सदगुरु उजाले हैं। हाँ देवी देवता का शरीर देखिए तो काला काला लगेगा, लेकिन संत उजाले हैं, ये प्रकाश और शब्द की प्राप्ति कर लिए है, इनके शरीर में चमक है, इनके शरीर इनके जीवन में सदाचार है, शिष्टाचार है, नहीं है। और देवी देवता तो भोगी होते हैं। इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का पतिव्रत को भंग कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज अपनी बेटी सरस्वती पर दौड़ गए। भगवान शंकर सुंदर अप्सरा को देख करके उनकी समाधि डोल गई। समाधि डोल करके पकड़ने के लिए भागे तो माता पार्वती को बैठाया। इतने देवी देवताओं का हाल है, लेकिन संत सभी शरीरों को पार कर जाते हैं। इसलिए संत से जमराज भी डरता है। संत जो हमें दे सकते हैं, देवी देवता नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। देशा माता चली गई। गुरुदास जी महाराज उनके शिष्य थे, बाबा अर्जुन देव जी महाराज बहुत रो रही थी, रात में भोजन नहीं की। गुरुदास जी मनाने गए, मां क्या बात है भोजन नहीं की, बाबा क्या भोजन करूंगी, अभी कोई पोता नहीं है, आप जाओ गुरु महाराज के पास मांगो, अपनी झोली फैलाओ, वो जरूर देंगे। चली गई माता और बाबा जी के चरण पकड़ ली। गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी क्या आशीर्वाद तू? हमको कोई पोता नहीं है महाराज, आप आशीर्वाद दे दे तो हमको पोता हो जाए। बाबा अर्जुन देव जी महाराज ने कहा बेटी तुम्हारे भाग्य में 17 जन्म तक पोता नहीं है। बड़ा दुख हुआ, अरे पहले तो थोड़ा सा दुख था कि चलो इस जीवन में पोता नहीं होगा, अब उन्होंने कहा दिया 17 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पोता नहीं, तो बड़ा दुख हुआ। बहुत जाकर कमरा में रोने लगी।
गुरुदाजी महाराज दोबारा आए समझाने के लिए। बोले माँ कौन होती हो? बोला बाबा ने कहा कि 17 दिन तक पोता नहीं होगा। समझाते हुए गुरुदास ने कहा माँ देखो संत की मौज होती है, जब वो प्रसन्न रहेंगे तब जाना, मैं राज बता रहा हूं। और दोबारा फिर कहना, दोबारा कहना, अगर ये कहे हो कि तुम्हारे भाग में 17 जन्म तक पोता नहीं है तो आप ये कहना, मैं सूत्र बता देता हूं। क्या कहेंगे महाराज? बोला आप ये कहना कि महाराज यहां वहां भाग्य तो लिखने वाले आप ही हो, अगर वहां नहीं लिखा है तो यहां लिख दो। बोला ठीक है महाराज। जैसा माता चली गई, बाबा जी मौज में थे, वो घोड़ा पर चढ़ने के लिए जा रहे थे, भजन करके उठा और अपनी साफा बांधा पकड़ी और चाबुक लिया हाथ में, घोड़ा पर बैठने के लिए जा रहे थे। इतने में जैसा माता फिर आ गई। अब जैसा माता जब आई ना तो जैसा माता श्री चरणों में प्रणाम करती है, कहती गुरुदेव हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हमको पोता नहीं है। माँ तुमको कहा ना बेटी कि तुम्हारे भाग में 17 जन्म तक पोता नहीं है, तो कहती महाराज पोता नहीं है, ठीक है यहाँ वहां भाग्य तो आप ही लिखने वाले हो, अगर वही नहीं वहां नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दो ना। बाबा प्रसन्न हो गए, बोले लाओ कागज कलम। वो कागज कलम देती है, बाबा जी घोड़ा पर बैठे हुए है, अब कागज पर एक लिखने के लिए जा रहे हैं, घोड़ा हिला दिया और एक नहीं लिखाया, 7 लिखा दिया। बोले बेटी देखो मैं एक पोता देने जा रहा था, लेकिन अब तुम्हारे घर में 7 पोता आएगा, 7 पोता आएगा। दरबार का जालो देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं लगे। एक और कहानी सुना देता हूं। अभी हम दुमका जिला गए थे, दुमका जिला में एक सत्संगी है हनुमान बोतार, हनुमान अग्रवाल जी, उनकी बेटी की शादी धनबाद में बबुना जी के बेटा से हुआ। शादी के 10 साल हुए लेकिन पोता नहीं हुआ। महर्षि संजय जी महाराज के पास वो आई, बहुत रोने लगी। महर्षि संजय जी महाराज ने कहा बेटी देखो तुम चिंता मत करो, पोता तो होगा तुम्हें, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उनके आशीर्वाद से पोता होने वाला है। हॉस्पिटल में जा रही है, वो हॉस्पिटल में प्रसव होगा। महर्षि संजय जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने के लिए आई हमारे स्वामी गंगाधर जी महाराज थे, स्वामी आशुतोष बाबा थे सेवक के रूप में। तो वो कहती है, उनका नाम पद्माबाई है, वो कहती है गुरुदेव प्रसव पीड़ा होने वाला है, हमारे बहू को संतान होने वाला है, एक तौलिया दे दीजिए आशीर्वाद के रूप में आप। तो महर्षि संजय जी महाराज ने कहा गंगाधर दे दो उनको तौलिया। तो बहुत सारा तौलिया था लपेटा हुआ, तो लोग तौलिया निकाले एक और आ गया 2 तौलिया, साथ में 2 तौलिया चला गया, लेके चली गई अपने वासी पर। वहां जाकर देखती है तो 1 तौलिया नहीं 2 तौलिया, तो फिर लौट गई। महर्षि संजय जी महाराज के पास आई, बोला गुरुदेव मैंने 1 तौलिया मांगा था, आपने 2 तौलिया दे दिया, तो क्या करूंगी, एक रख लिया जाए। तो महर्षि संजय जी महाराज कहते हमको पता नहीं, गुरु महाराज की कृपा है, पता नहीं गुरु महाराज क्या देना चाहते हैं आपको, हम नहीं कर सकता, हम वापिस नहीं लूंगा, ले जाइए। वो लेके चली गई और देखिए गुरु देते तो जब्बर फाड़ गए, मांगे 1 पोता और जंगुआ बेटा आ गया, जंगुआ पोता पैदा हो गया, 2 मिल गया। ये कब होता है? जब जीवन में सत्संग करते हैं, गुरु के आदेश पर चलते हैं और गुरु की कृपा से आपको सब कुछ मिलता है। आप भूत को मत पूछिए, भगवान कृष्ण कहते हैं भूतों को पूछने वाला भूतों को प्राप्त होता है।
देवी देवता को पूजे वाले देवी देवता को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, और मेरा भजन करने वाला मेरे को प्राप्त करता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के लिए आप इधर उधर नहीं भटकिए, संतों का जो सीधा रास्ता है उस पर चलना चाहिए। एक महात्मा कहते हैं राहे गई है बड़ी झीली है साधो, मैंने नगर से रास्ता गया है। हम लोग मानस जप करते हैं, जिसका मन बहुत चंचल है वो मानस जप करे उसका मन एकाग्र हो जाता है। मानस जप करने के बाद मानस ध्यान कीजिए, आप अभी सुन रहे थे जपते राम प्रताप जैसा अवधित भाई अवधि प्रबल जैसा, आप मानस ध्यान करेंगे गुरु की मूर्ति सामने में आएगी। अब देखिए गुरु मूर्ति को धारण करते कौन है, ये बड़े भागशाली है। आप मानस ध्यान कीजिए आपका सब काम बनेगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपके अंदर शांति मिलेगी और आप बिंदु ध्यान करने लायक बन जाएगा। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जगने पर जारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। आपको एक बुद्धता मिलेगी, आप जब दृष्टि साधन करते हैं तो शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठते हैं। देखिए संत मत का सत्संग है, कभी सीधा होकर बैठिए, सीधा होकर बैठिए, जो सीधा होकर के बैठते हैं उनको बड़ा लाभ होता है। जो चाहते हैं इस जीवन में परमात्मा मिल जाए तो उनको एक आसन से बेसी देर तक बैठना चाहिए, खान पान को संतुलित रखना चाहिए, मांस मछली अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मांस मछली अंडा का सेवन करते हैं उनका खून खराब हो जाता है, उनका मन भजन में नहीं लग सकता है। आजकल तो लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, और बकरी अंडा घरे घरे, क्या बोलते हैं, बकरी अंडा घरे घरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, संडे हो कि मंडे रोज खाओ अंडे, अब खाने पड़ेगा डंडे हो जाओगे ठंडे। ये मांस मछली अंडा छोड़िए, मैं आपसे पूछ लू, ये देखिए बड़ा सुंदर गांव है, यहाँ पर कितने लोग मांस मछली खाते हैं, हाथ उठाइए तो ईमानदारी के साथ जरा देख लो, कितने लोग मांस मछली अंडा खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं। देखिए ऐसा बात में सब जगह नहीं पूछता हूँ, इस गांव से हमारा बड़ा प्रेम है और जब तक हमारा जीवन है, मैं प्रतिज्ञा किया हूँ जब तक हमारा जीवन है और तब तक मैं माघ पूर्णिमासी में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जयंती मनाने के लिए आया करूंगा, मैंने वचन दिया। हमारे नारायण बाबू, हमारे जनार्दन बाबू, हमारे निमाई जी, हमारे दिलीप बाबू और हमारे वन संचालक जी महाराज, क्या नाम है, आनंद ठाकुर जी महाराज जो आनंद के ठाकुर है, हमारे महंत साहब है, सफा है बलवान तो बल में खड़ा है भगवान। देखिए श्रद्धा का केला है, विश्वास का केला है। हमारे गुरु महाराज वृद्ध हो गए थे, एक सत्संगी था बड़ा गरीब था, जीविका कैसे चलाता था, एक गाय पोसता था, गाय, अब गाय पोस करके जो गाय दूध देती थी उसी से जीविका चलती थी। पति पत्नी दोनों घास लाते थे, गौ माता की सेवा करते थे, दूध बेचते थे और जीविका चलती थी। दिवाली का समय आ गया, मन में इच्छा हुई कि मैं तो ग्रस्त आदमी हूं और भुक्त भोगी आदमी हूं, कमाता हूं और अपने जीवन में सब खा जाता हूं, अपने जीवन में कोई परमार्थ तो करता नहीं, सत्संगी नाम कब लिया हो, नाम लिखा लिया हो,
देखिए गृहस्थ को दान भी करना चाहिए। मनुस्मृति भी लिखा हुआ है, मनु जी महाराज ने मनुस्मृति भी लिखा है, अपनी आमदनी का 10% दान में लगाना चाहिए। जो अपनी आमदनी का 10% दान में नहीं लगाता उसका धन शुद्ध नहीं होता है, और उसका धन कहां चला जाएगा? हॉस्पिटल में। उसका धन कहां चला जाएगा? डॉक्टर के पास। उसका धन कहां चला जाएगा? कचहरी में। उसका धन चोर खाएगा, चोर चोर चुरा के ले जाएगा, या तो धरती के नीचे गाड़ करके चला जाएगा। ये धन की तीन गति है, भोग दान या तो दास, ये तीन गति है। इसलिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है दान करना चाहिए। आप नाम सुने होंगे राजा श्वेत, बड़ा तपस्वी था, दान नहीं किया, शरीर छूट गया तो बताते हैं अपना ही मांस खाता था वो। अगस्त मुनि ने देखा, कहा भाई तू कौन है, तुम्हारा शरीर बड़ा दिव्य है, तू अपना मांस खाता है। बोला मैं राजा श्वेत हूं। राजा श्वेत, अरे तू तो ब्रह्मलोक को चला जाता था। महाराज हमें भूख प्यास आती है, क्या कारण है? महर्षि अगस्त ने कहा देखो राजन, तूने दान नहीं किया है, तूने दान नहीं किया है, इस धरती पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अपना मांस खाओ, अपना मुर्दा खाओ। तो अपना मुर्दा ही खाता था। बड़े बड़े सेठ लोग हैं, अरे गांव तो बहुत अच्छा गांव है, एक गांव में एक नगर में ऐसे भी सेठ है जिनके पास बहुत धन संपत्ति है और दान नहीं करते हैं। एक जगह बहुत बड़ा सत्संग होने वाला था, लोग उनके पास चंदा मांगने के लिए गए तो बोलते बाबा हम चंदा नहीं दे सकते। बोला क्यों? बोला बेटी की शादी होगी। बोला कितना खर्चा करोगे? बोला 20 लाख। बोला 20 लाख बेटी की शादी में खर्चा करोगे? 5000 यहां दे दो ना दान खाता में। बोला बाबा दान खाता बाद में करेंगे। बोला धर्म का काम पहले करना चाहिए, धर्म का काम पहले करो, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। मानव का जीवन मिला है, बड़ा मूल्यवान जीवन है। मैं आप लोगों को हरिद्वार के लिए निमंत्रण भी देने आया हूं, सत्संग भी करने के लिए आया हूं, वहां ध्यानाभ्यास रखा जाएगा, और आप लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और ध्यान योग में भाग लीजिए, ध्यान सत्संग में। पांच घंटे ध्यान और 3 बार सत्संग होता है, 5 धर्मशाला बुक कराया जाता है। जो लोग आना चाहते हैं पहले से अपने एडमिशन करवा लेते हैं, और वहां जो ध्यान होता है निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप लोग वहां आइए और ध्यान सत्संग से लाभ उठाइए, सत्य सम्मेलन से लाभ उठाइए। समय कितना हुआ है? अब समाप्त किया जाए क्या? आज रविवार भी है और भजन सदगुरु गुरु संकीर्तन भी होगा, तो मैं अपनी वाणी को अभी इतना ही कहकर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।